वाराणसी में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन श्री संत सूरदास बाबा के प्रांगण में थाना चैनपुर क्षेत्र अंतर्गत गांव सिकंदरपुर भभुआ बिहार में दिनांक 7/6/2024 दिन शुक्रवार से दिनांक 15/6/2024 तक सायंकाल से रात्रि 11 बजे तक प्रतिदिन 11 बजे रात्रि से शाम 4 बजे भोर तक चल रहा है। आपको बताते चलें कि बाबा मुकेश चौहान माँ शीतला जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ शीतला द्वारा उनको वरदान दिया गया है कि जिसके ऊपर वह हाथ रख देते हैं उसका भारी से भारी कष्ट टल जाता है। आज मैं ये शीतला माता के दरबार में जो उनके पुजारी हैं बाबा मुकेश चौहान, जो कि अपने आप को बताते हैं कि मैं सिकंदरपुर का रहने वाला हूँ और वहाँ यज्ञ चल रहा है, तो फिर आज मुगल सराय में, अब यहाँ का तो पूरा एड्रेस नहीं बता सकता, मुगल सराय में मैं यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ भक्तजन जो है काफ़ी संख्या में, भारी संख्याओं में जो है भीड़ लगाए हुए हैं। तो जो है इनसे पूछताछ के बाद ये पता लगा, भक्तों के द्वारा भी पता लगा कि जो है ये लोग जो है यहाँ आने से उनकी मुरादें पूरी हो गई, क्योंकि यह बाबा से पूछने के बाद भाई बाबा तो अपनी मरक्कत भी कहेंगे ही किया है वह, मगर मैं नहीं मानता था। आज भक्तजनों से पूछने के बाद मुझे पता लगा है कि नहीं, सच्चाई है तो सच्चाई है। आइए किसी और आदमी से जानते हैं। जय हमारे सर्वर से 2 बार गए सुंदरपुर में भी। अच्छा, यहाँ भी 2-3 बार आए थे। हमारे पेट में बच्चा भी था 3 महीना का, गर्भपात हो गया। अच्छा, इसीलिए आए थे बाबा से पढ़ने के लिए। तो इसके बाद फिर प्रेगनेंट हुई या नहीं हुई? बाबा के पास 4 बार कितने दिनों से आ रहे हैं? 4 बार आए, कितने दिनों से आए? मैं 6 महीने से। 6 महीने क्या मुराद लेकर के आए? क्या हमारे बहुत सी, अच्छा बहुत सी में बहुत राहत है, हल्का मेरे को तकलीफ हो रहा है बताने के लिए आए। और मेरी पत्नी जो बहुत भरने के लिए हमने लाया, बहुत भर चुका है, एक भाई ये पूरा हो गया, कोई बाबा से मिलने के लिए देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसे भी लोग आए हैं जिनको लड़का और लड़की नहीं होता, संतान उत्पत्ति नहीं होता, मगर यहाँ ये सुनने के लिए आ रहा है। भक्त जन ही बता रहे हैं, मैं नहीं करता हूँ, कि नहीं जो है बाबा के द्वारा वो जो है माँ शीतला को प्रसन्न कर करके जो है मुकेश बाबा जो है उनके भक्ति में लीन होकर करके आज ऐसे अंजाम तक पहुँचे हैं जिसे कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ तरह तरह के रोग, जैसे आपको कैंसर वगैरह भयंकर रोग से निजात मिलता है, जैसा कि भक्त जन जन द्वारा बताया गया। और जो है यही के बाद मैं समाप्त करता हूँ, आगे फिर देखना है बाबा इसके आगे क्या करते हैं, फिर हमें जैसा भी आदेश होगा मैं आता जाता रहूंगा। नमस्कार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।